Coming. Who is it? Surprise! अरे दूल्हा मियां कहाँ है? क्या मतलब जैद यहाँ नहीं है? Please, कोई कुछ बताएगा? बोलो तो सही. Where is he? तुम बैठो तो सही, मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ? That means कि जैद नहीं है यहाँ? नहीं. कहाँ है वो? Mom, भाई is not here because of you. What nonsense? Because of me? वो आपसे नाराज हैं, इसी वजह से काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चले गए. उसे क्या वही नाजिल हुई थी कि मैं आने वाली हूँ? He knew it. जब आपसे फोन पर बात हुई थी तो he was like, I'm sure mom will be here in 2 days. तो फिर वो कह रहे थे कि मॉम से कहना पहले मेरी शादी को एक्सेप्ट करें, then I'll be back. What nonsense? Give me the phone. मैं खुद जैद से बात करती हूँ. दो मुझे फोन. वो नहीं करेंगे. पहले आप उनकी कंडीशन को माने, उनकी प्यारी सी वाइफ को एक्सेप्ट करें, then he'll be back. मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आई और रहा सवाल वो लड़की और शादी, उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं कबूल करूँ या ना करूँ, that's my decision, okay? कैसी बातें कर रही हो शान? अदन अब जैद की बीवी है, इसलिए तुम्हें उसे कबूल करना चाहिए. प्लीज डोंट टीच मी. मैं अपने बेटे से खुद बात कर लूंगी. ऑलराइट ऑलराइट, टिल देन हैव सम रेस्ट एंड थिंक अबाउट इट इफ यू वांट टू टॉक टू हिम और नॉट. समर, यू नो मी, मैं नहीं मानने वाली हूँ. भाई में भी आपका ही डीएनए है मॉम. ओह फॉरगेट इट. जरा मिलवाओ तो सही हो महारानी, सबको पागल बना के रखा है. वेयर इज शी? आई वांट टू मीट हर राइट नाउ. चलो देखती हूँ मैं भी. जो दर्द हमारे दिलों में है ना, वो हमारे चेहरों पर नहीं आना चाहिए. समझ गई ना? मॉम, ये हैं अदन भाभी, भाभी मॉम. ओह, तो ये हैं वो मैडम जिसे आपने अपने जैद के लिए पसंद किया. हाँ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी. वालेकुम सलाम. अमर, आई नीड सम टाइम विद माय बहू. सर देखो तो आखिर क्या गुण है इसमें. आर यू श्योर मॉम? यस, यू कैन लीव. लीव अमर, इट्स ओके. ओके या भाई, शादी से पहले नहीं सही तो शादी के बाद तो हक बनता है ना. मैं अपनी बहू को इंटरव्यू तो करूं. हाँ तो भाई, किस खानदान से ताल्लुक रखती है और कितनी पढ़ाई की हुई है? जी मैंने लॉ पढ़ा है. और पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरी अम्मी नहीं है दुनिया में. ओ, तो फादर तो है ना? फादर हैं. क्या करते हैं? कुछ नहीं. जो चाहिए था मिल गया. ऑफ कोर्स भाई, व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? खदीजा बेगम की चॉइस जो है, तुम्हें पता है मैं अपने बेटे को न्यूरोसर्जन बनाना चाहती थी, लेकिन थैंक्स टू मैडम खतीजा, जो ये यहां आया तो उसे वापस ही नहीं भेजा. एक से एक रिश्ते थे मेरे बेटे के वहां. मिलियनियर लड़कियां चाहती थी कि उसकी वहां शादी हो, लेकिन नहीं, आपने तो अपने कैलिबर जैसी लड़की चूज कर ली ताकि जैद वापस ही ना जा सके. क्योंकि आपको पता था कि जैद अगर वापस जाएगा तो वापस आएगा नहीं यहां पर. आप और तुमने मेरे ख्वाबों को चिकना चूर कर दिया.